सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। और भाई, आप सभी लोग तो जानते होंगे कि यार इन्फिनिक्स की तरफ से बहुत ही जल्द एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, और इस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 30 5G। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशन होगी, क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये स्मार्टफोन कब तक और किस प्राइस पर लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में भी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलने वाला है। जी हाँ, आपको फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ ग्लास बिल्ड के साथ में आएगा, और फ्रेम आपको यहाँ पर प्लास्टिक की ही देखने को मिलेगी। वैसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर एक वेरिएंट वीगन लेदर का भी देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल यहाँ पर जो डिज़ाइन होगा और बिल्ड क्वालिटी होने वाली, वो आपको यहाँ पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से टॉप नॉच मिलने वाली है। बात करें यहाँ पर फोन के वेट की, तो फोन थोड़ा सा हैवी है, 205 ग्राम के साथ में आएगा, और फोन की थिकनेस होगी 8.5 मिलीमीटर। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी होगी 6.78 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल। जी हाँ, इस बार आपको AMOLED पैनल नहीं मिलने वाली है, IPS LCD पैनल के साथ में ये फोन आएगा। लेकिन पॉसिबली आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये फोन 580 नीट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करने वाला है। सो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे अच्छी बात ये भी है कि फोन 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट के साथ में आने वाला है। सो गेमिंग वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों, बुखड़ा तो हमने देख लिया, और अब बात करते हैं फोन के ब्रेन की। इस फोन के अंदर आपको मिलने वाला है MediaTek का Dimensity 6080 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये 6nm की फैब्रिकेशन पर आता है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह काफ़ी कम देखने को मिलती है, और फोन के जो बैटरी परफॉर्मेंस हो वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। वैसे परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको पहले दो कोर मिलते हैं 2.4 GHz पर Cortex A76 के, बाकी के 6 कोर आपको मिलते हैं 2.0 GHz पर Cortex A55 के। तो यहाँ पर जो डेली परफॉर्मेंस है उसमें तो आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। रही बात गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए आपको मिलता है आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस बजट के हिसाब से डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। तो भाई, ये तो हुई बात फ़ोन के ब्रेन की। लेकिन अगर हम बात करें फ़ोन के हाथ और पैरों की, तो कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ 8GB रैम के साथ में इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर पॉसिबली आपको 8GB की एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिलेगा। और जहाँ तक बात है रैम टाइप की, तो ये होगी LPDDR4X। जहाँ तक बात है स्टोरेज की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 256GB की एक बड़ी स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर स्टोरेज की क्वालिटी मिलेगी UFS 2.2। तो ओवरऑल रीड और राइट के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी आपको थोड़ी मदद मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर फ़ोन के अंदर कहीं भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें फ़ोन के सो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमराज, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का। और दोस्तों, अच्छी बात है कि ये F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक आपको यहाँ पर QVGA सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में आउटपुट भी बहुत कमाल के निकल कर आते हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें दोस्तों, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे up to 30 FPS, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें फ़ोन के पेट की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है 5000mAh की बैटरी। साथ ही साथ फ़ोन यहाँ पर 45W की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट होने वाली, तो ये तो कमाल की बात है ही। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर एक नया एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिलने वाला है। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर गेम खेलते हैं या फिर कुछ ऐसा टास्क वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो चार्जर है, ये ऑटोमेटिकली सारी पावर आपके मदरबोर्ड को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आपका फ़ोन भी नहीं हीट होता और बैटरी पर भी यहाँ पर लोड काफ़ी कम पड़ता है। सो देखा जाए गाइस, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा और यूनिक फीचर देखने को मिलने वाला है इस बार इन्फिनिक्स की तरफ से। वहीं पर इस फ़ोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, जहाँ पर आपको JBL की ट्यूनिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो ऑडियो आउटपुट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। सो देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और रही बात फोन के यूज़र इंटरफेस की गाइस, तो ये स्मार्टफोन आने वाला है लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 पर। स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो ये तो आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि ये स्मार्टफोन 14 जून को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा।
रही बात स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 8 और 256 वाला वेरिएंट कहा जा रहा है कि लगभग 15,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है। वैसे दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्मार्टफोन के फीचर्स आपको कैसे लग रहे वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएगा, और क्या आप स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहते हैं या नहीं वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। वैसे दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो भी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।